परासिया में कोयला अंचल कोचिंग एसोसिएशन ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कोरोना संक्रमण काल में 10-10 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाने की इजाजत देने की मांग की। कोलांचल कोचिंग एसोसिएशन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जिसमें राज्यपाल से कहा गया है कि जैसे सरकार ने कई लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन निभाते हुए व्यापार करने की इजाजत दी है, उसी प्रकार से हम कोचिंग क्लासेस चलाने वालों को भी 10-10 विद्यार्थियों को पढ़ाने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि हम कोचिंग क्लासेस चलाने वालों को किराया और स्टाफ का वेतन देने के साथ परिवार चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देने एसडीएम महोदय के पास आया हुआ है और हमारे सभी संस्थानों की मांग है, संगठन की मांग है कि हमें भी जैसे सभी व्यापार जगत को अनुमति मिली है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, वैसे हमारे शैक्षणिक संस्थान को कम से कम 10-10 विद्यार्थियों को पढ़ाने की अनुमति मिले ताकि हमारा परिवार शैक्षणिक संस्थान चल सके। बच्चों का उज्जवल भविष्य सभी शिक्षकों के हाथ में होता है, तो हम एसडीएम महोदय से, राज्यपाल महोदय से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमें भी सरकार की गाइडलाइन के पालन करते हुए 10-10 विद्यार्थियों को पढ़ाने की अनुमति दी जाए ताकि हम लोग भी अपने शैक्षणिक संस्थान चला सकें और कोचिंग का किराया और बिजली का बिल, स्टाफ का वेतन आदि भर सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।